नमस्कार दोस्तों, shortshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक घंटी का बटन दिखेगा, उसको दबा के सेव कर लीजिए, तो जो भी वीडियोस हम डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर पिछले वीडियोस आप देखना चाहते हैं या पिछले एनालिसिस और कॉल्स देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट shortshotformula.com को विजिट करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे जिंक के बारे में बात करेंगे। कुछ जिंक के जोन्स हमने हाईलाइट किए हैं कि कौन से वो ट्रेडेबल जोन है जहां पर लोअर वॉलेटिलिटी, मीडियम वॉलेटिलिटी और हायर वॉलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है और आपको किस तरह से उनमें ट्रेड्स करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं और सबसे पहले उन जोन्स को देखते हैं, बिकॉज जिंक में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और डेली 3-4 रुपए की मूवमेंट दिख रही है। तो जिंक इज़ अ वेरी गुड ट्रेडिंग कमोडिटी राइट नाउ, उसमें ट्रेड करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है और आने वाले समय में जिंक में क्या देखने के लिए मिल सकता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि जो वोलेटिलिटी इंडिकेटर है वो ये क्या कहता है। देखिए, इंटरनेशनल चार्ट है, अगर मैं इंटरनेशनल चार्ट है ये जिंक का, और अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने 3-4 जोन्स हाईलाइट किए हैं। ये जो ब्लू वाला जो जोन है वो हाई वोलेटिलिटी जोन है, जो इसके ऊपर ये आपको हल्का सा ग्रे जोन दिख रहा है ये मीडियम वोलेटिलिटी जोन है, और उसके ऊपर ये जो दिख रहा है वो नॉर्मल वोलेटिलिटी जोन है। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा नॉर्मल वोलेटिलिटी जोन जो है वो इंक्रीज करता जाएगा और ऊपर और नीचे से हमें अच्छे और फास्ट रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे और रेजिस्टेंसेस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। तो अगर मैं ब्रॉड में बात करूं तो ये जो जोन है वो 31.78 का हाई बनाया था वो एक तरह से जोन में प्रवेश कर गया था जो कि हाई मीडियम वोलेटिलिटी जोन था, इसीलिए आपको एक अच्छा वहां से डिक्लाइन देखने के लिए मिला। ये चार्ट थोड़ा सा पुराना है, मतलब ये ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर भी इसको पोस्ट किया था, अपनी सॉरी वेबसाइट पर भी पोस्ट किया था और मैं यहां पर एक बार इसको समझा देना चाहता हूं। उसके बाद आप देखेंगे वहां से एक डिक्लाइन देखने के लिए मिला और ये अभी तक जो है वो येलो जोन में ट्रेड कर रहा है, अभी भी ये येलो जोन में है, नॉर्मल वोलेटिलिटी जोन में है, बहुत ज्यादा वोलेटिल। लेकिन अगर ये 3200 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है यहां पे तो हो सकता है कि हमें एक हाई वोलेटिलिटी जोन में भी जाता दिखाई दे, जो कि इसके लिए एक डिसाइसिव जोन होगा। डिसाइसिव इसलिए कि अगर ये उसके ऊपर नहीं जा पाता तो वहां से एक बहुत अच्छा कम से कम 25-30% का करेक्शन हमें जिंक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये तो फ्यूचर की बात है, अभी जिंक में क्या हो रहा है हम आपको उसका एक आइडिया दे देते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको ये जो चार्ट है इसको समझा दूं। ये जो ब्लू कलर है ये ये हाई वोलेटिलिटी जोन है जो कि आपको नीचे की तरफ यहां पर अभी 2400 के आसपास तक दिख रहा है और ऊपर की तरफ लगभग 3350 के आसपास तक दिख रहा होगा। उसके बाद ये जो है वो आपका मीडियम वोलेटिलिटी जोन है और ये जो है वो नॉर्मल वोलेटिलिटी जोन है जिसमें मार्केट अभी भी ट्रेड कर रही है। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियोस भी जो जिंक के बनाए हैं उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि कहां पर हमें एक रिवर्सल मिलना चाहिए या कहां से हमें एक पॉसिबल रिवर्सल दिखना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जो हमने रिवर्सल प्रिडिक्ट किया था वहीं से उस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट रिवर्स कर गई है और जो अभी नीचे के सपोर्ट्स हैं दोस्तों वो इंटैक्ट हैं। आइए हम आपको अपने चार्ट में लेके चलते हैं। देखिए, ये एक 4 आवर्स का चार्ट है हमारा और अगर आप देखेंगे तो ये एक जिंक में बाय कॉल जो जनरेट हुई थी वो 177.80 के आसपास जनरेट हुई थी जो कि अभी भी कंटिन्यू है, दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, दो वी सॉ फ्यू रिवर्सल्स बट एज पर द कॉल इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। एक हां, ऊपर से हमें एक डाइवर्जेंस जरूर देखने के लिए मिला, द डाइवर्जेंस केम अराउंड 202.30, द डाइवर्जेंस केम अराउंड 202.30। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में जब भी रिवर्सल होगा इट विल बी अ ह्यूज रिवर्सल। लोगों को समझने से पहले, जब तक लोग उसको एंटिसिपेट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, उससे पहले हमें वो रिवर्सल देखने के लिए मिल जाएगा।
डेली लोगों को ये मार्केट एहसास दिला रही है कि अगर आप बाय करेंगे तभी पैसा बनेगा, बाय करेंगे तभी पैसा बनेगा। एक समय आएगा लोग इतना डर जाएंगे सेल करने के लिए कि वो सेल ही नहीं करेंगे, और उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर कोई सेल नहीं कर पाएगा और मार्केट स्टार्ट्स कमिंग डाउन। जब तक हम जागेंगे मार्केट अपना जो पूरा का पूरा गिरने का जो उसका टारगेट्स हैं वो अचीव कर लेगी, और तब हम वहां सेल करेंगे जहां से रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। जनरली यही होता है, क्योंकि जो दिमाग होता है ना वो इतनी आसानी से चीजों को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको बहुत एनालिसिस करने की आदत होती है, और कभी कभी दोस्तों ज्यादा एनालिसिस भी नुकसान दे जाती है। तो अगर मैं आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाऊं, देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची थी पिछले कुछ महीनों के डेटा के आधार पर। अगर मैं आपको दिखाऊं ये ट्रेंड लाइन कहां से मैंने कंटिन्यू करी थी, तो ये ट्रेंड लाइन अप्रैल से लेकर जो ये आपकी ये मूवमेंट है सॉरी मई से लेकर और ये पूरे हाईस को मिलाते हुए, अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कई बार इस ट्रेंड लाइन ने मार्केट में एज अ सपोर्ट काम किया है। देखिए पहले ये यहां पे सपोर्ट लिया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया, फिर ये यहां पे सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लिया। लेकिन इफ इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन दिस ट्रेंड लाइन देन वी मे सी अ गुड डिक्लाइन कमिंग इन टू मार्केट। सो दैट डिक्लाइन कैन बी इंट्राडे, और हो सकता है किसी दिन मार्केट ही 1.5-2%, 3% खुले नीचे और फिर वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही स्वीप इन करती चली जाए। सो दिस ट्रेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ माय क्लाइंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, ही कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट दिस ट्रेंड लाइन एंड कैन फॉलो दिस ट्रेंड लाइन फॉर फ्यूचर ट्रेड्स। उसके ऊपर जब तक है मार्केट इज पॉजिटिव, व्हेन इट कम्स डाउन द ट्रेंड लाइन मार्केट विल गो इन टू डीप रेड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वर्क एज पर द सिस्टम, एज पर द सॉफ्टवेयर। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सिस्टम को फॉलो करिए, सॉफ्टवेयर को फॉलो करिए, और कोशिश करिए कि जो वो दिखाना चाहता है वही आप देखें। देखिए जो हम ट्रेड करते हैं उसमें बहुत बड़ा पार्ट इमोशंस का होता है, और इसी वजह से हमारी ट्रेड्स गलत हो जाती हैं। अगर हम इमोशंस छोड़ के इमोशंस को किनारे कर दें और टेक्निकल्स के बेस पे ट्रेड करें तो शायद हम कहीं अच्छी ट्रेडिंग कर पाएं व्हेन वी कंपेयर इट टू इमोशंस। अब एक चीज मैं आपको और बोलता हूं, देखिए टेक्निकल्स प्लस एनालिटिक्स इज इक्वल्स टू सक्सेस, इमोशंस प्लस एनालिसिस इज इक्वल्स टू फेलियर, टेक्निकल्स प्लस इमोशंस इज इक्वल्स टू फेलियर। तो जब आप टेक्निकल्स का उपयोग करते हैं, जब आप टूल्स का उपयोग करते हैं, तो एनालिसिस का उपयोग करिए, एनालिटिकल एबिलिटी का उपयोग करिए, ना कि अपनी इमोशनल एबिलिटी का। इमोशंस जो है वो 90% टाइम्स आपको गलत लेके जाएंगे। कोई नहीं चाहता है कि पैसे का नुकसान हो, कोई नहीं चाहता है कि मेरी ट्रेडिंग गलत हो, हर आदमी केवल पैसा बनाना चाहता है, बट ऐसा होता नहीं है। जब तक आपके एनालिटिकल एबिलिटी, आपके टूल्स को सही तरीके से मैं आपको क्या बोलूं कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, तब तक पैसा नहीं बनेगा। सो एज आई ऑलवेज से, इट इज नॉट द टूल व्हाट मैटर्स, इट इज व्हाट द रूल्स मैटर्स। अगर आपके पास अच्छे टूल्स हैं, अच्छा टूल है, लेकिन इफ यू डोंट हैव गुड रूल्स टू फॉलो यू वोंट बी एबल टू मेक मनी। द सेम थिंग इज व्हेन यू हैव अ टू रूल्स बट यू डोंट हैव अ टूल, यू इट विल बी हार्ड फॉर यू टू मेक मनी। बट अगर रूल है और टूल नहीं भी है तो पैसा बनेगा। अगर आप मार्केट में सिक्का उछाल के भी ट्रेडिंग करते हैं और आपके पास रूल्स हैं, बहुत सेट रूल्स हैं, आप नुकसान नहीं करेंगे। बट आपको कितना भी अच्छा टूल दे दिया जाए एंड इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स अटैच विद द टूल यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। सो दिस इज माय सजेशन टू ऑल द फेलो ट्रेडर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑलवेज इंप्लीमेंट रूल्स, कंस्ट्रक्ट रूल्स एंड फॉलो देम। व्हाट आई विल गिव यू व्हेन यू ज्वाइन अस, जब आप मुझे ज्वाइन करते हैं या हमें ज्वाइन करते हैं, तो हम आपको केवल टूल नहीं देते, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं उन रूल्स को फॉलो करने की। हम आपको इतना डिटरमाइंड कर देते हैं कि यस, अगर मैं रूल फॉलो करूंगा मुझे नुकसान नहीं होगा। और यही वो खासियत है, यही वो चीज है जो हमें और लोगों से अलग बनाती है। ये टूल अलग नहीं है दोस्तों, हमारे रूल्स अलग हैं, हमारा तरीका अलग है। आप अगर उस तरीके से स्टिक होते हैं, उन रूल्स से स्टिक होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, जिस दिन आप ये छोड़ देंगे कि मुझे डेली ट्रेड करना है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, आप नुकसान करना बंद कर देंगे। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मुझे हर समय मार्केट के अंदर रहना है, आप नुकसान करना बंद कर देंगे। जिस दिन आप यह समझेंगे कि मार्केट आज ही है और कल नहीं रहेगी, आप नुकसान करना बंद कर देंगे।
बस हमेशा ये याद रखिए, मार्केट कल भी थी, मार्केट आज भी है और मार्केट कल भी रहेगी। अपॉर्चुनिटीज़ कल भी थी, अपॉर्चुनिटीज़ आज भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कल भी रहेंगी। बस ज़रूरत है हमें उनके एनालिटिकल एबिलिटी को सही तरीके से समझने की और उनको एनालाइज करने की। एक अपॉर्चुनिटी में भी थ्रेट्स होते हैं अगर उसको सही तरीके से एनालाइज ना किया जाए, और एक थ्रेट में भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर आप उसको सही तरीके से उसका एनालिसिस करें और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इस तरह के और अच्छे वीडियोस आपको आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेंगे। और मैं अभी भी बोलता हूं, देयर इज नथिंग गुड टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर आप अभी भी गलत हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो अपनी उन गलतियों को मानिए और उनको सुधार करने की कोशिश करिए। अपने आप में अपने आप को ब्लेम करना, अपने आप को गलत मानना कुछ गलत नहीं है दोस्तों। इस सोच से बाहर आइए कि जो भी कुछ गलत हो रहा है वो दूसरे की वजह से हो रहा है। नहीं, अपने आप में इस सोच को डालिए कि गलतियां मेरे अंदर हैं, बिकॉज आप दूसरे को नहीं सुधार सकते, लेकिन आप अपने आप को सुधार सकते हैं। इसलिए जब आप अपनी आप को गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू करेंगे, तो वहीं से सुधार की शुरुआत होगी, और जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। When we start making change in ourselves and when people start noticing it, we may change people. Because change starts from us, change starts from me, change starts from you. बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।